हम कोशिश करूं गोजरी में गल करूं, पर मारो गोजरी थोड़ा सा खराब हो। बाकी तालीम कुरानी माशाल्लाह लोग। अच्छा पाइसदाम कितना दूर है जिस जगह से जासा? बस ये नालबुने तुसा की नजर आ रहे तक है। ए माशाल्लाह तक कोई एक ना ना जी क्या ही सुकून है नाल दैया ने कुट मारने आ। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करना सो सारे वालो सो, मैं इरफान जफर, तुसा तक रहो कश्मीर टीवी। जनाबे वाला मैं जिथे जाना ना ते माड़ी बस पुरानी चीजा ने लगत है ते देसी माहौल की लोड़ना लोड़ना कश्मीर अंदर भी मैं फिरना रहना वा अपने घरेदार भी उसका क्या उसी आई नहीं। जी वीडियो ना बड़ी यूनिक और बड़ी खास वीडियो है, यकीनन ये फर्स्ट टाइम वीडियो तकन ले सो। अज जनाबे वाला तुसा की दसा इतने मैं ग्रां में मौजूद हाँ, साढ़े दोस्त हैं भाई अतीक और उन्होंने ग्रां में मौजूद हाँ। इस ग्रां की जिंदगी की मैं कवर करने वास्ते आया और इस ग्रां की जिंदगी जी खास एक चीज़ है ना उसकी कवर कर सा और तुसा की दस रहा इसलिए सवेले ने टाइम है किस तरह सवेले जिंदगी इतों शुरू होनी है और किस तरह दिहाड़ी ना कम होना मैं आओ जनाब तुसा तको कि कितनी यूनिक वीडियो है तुम अगे जुड़ी के पता लगसी। अच्छो माशाल्लाह जी, सब तू पहले तुसा इस ग्रां नी इस जगह नी इस घर नी खूबसूरती सो तकी सकने हो कि एक तो बैकग्राउंड व्यू इतना जबरदस्त है, दूआ देसी स्टाइल ना साढ़े दोस्त हैं उन्हें नाश्ता रखे नाल माड़े भाई सदाम मौजूद हैं। अज असा माशाल्लाह नाश्ते तो बाद जड़ा अगे प्रोग्राम सोचे है ना या इत ना जो जिंदगी ना एक रिवाज है वह तुसा की दसा, लेकिन तुसा भी अज हैरान हो जासो ते माशाल्लाह भाई सदाम और सुनाओ सेहत से ठीक है तुसा ने? जी शुक्र अल्लाह पाक ने। ते ए दसो तुसा ना हर रोज नाश्ता इये ही होना वे? जी डेली यही नाश्ता होना है, बस औकात जड़ा है ते कणक नी रोटी या फिर पराठा वगैरह हो। ठीक है जी, लेकिन ज्यादातर मक्खन ते यानी के दही ते मक्के नी रोटी सुन होना। जी जी, कैमरामैन थोड़ा जा व्यू कराओ कोलू अच्छी के तको हां मक्के नी रोटी जनाबे वाला, ये मक्के नी रोटी है, उस तो बाद मक्खन, उस तो बाद दही ने दोए गिलास भरे हुए नाल भरे दूध भी मौजूद है कच्चा दूध। तो क्या ही मैना बात है और क्या ही रौनक है, टेस्ट कर सा तो फिर जनाब तुसा की दसा के क्या टेस्ट है बाना में। ये रौनक सन जड़िया रौनक असा ने उधरों खत्म हो गया, लेकिन पहाड़ा ने बिच इन ग्रावों च अज भी रौनक मौजूद हैं। ना ना जी क्या ही सुकून है ना दही ने कुट मारने आ। माशाल्लाह पहला ग्राही मारिया तो सुकून आई गया जनाब, देसी स्टाइल ना नाश्ता सो तक क्या उसी हूं नाश्ता करने आ तो फिर इस तू अगे तुसा की दसने आ क्या जैसा दिहाड़ी क्या कर सा। माशाल्लाह इतू खूबसूरती तको मैं तकरीबन हर सालों साल इतना एक दो चक्कर लगने भाई तीक और वजह तू भाई सदाम नहीं वजह तू साड़ी ना सलाम दुआ दोस्ती आ रही है हूँ इसलिए सरयू तको कि कितनी प्यारी है और नाल ही घर ने अगर कणक कितनी खूबसूरत है इस ज्यादा स्टेप बाय स्टेप तकने उस उपर पहाड़ा ने किस तरह मकान बनते हैं। मैं ना इस जी जिंदगी इतनी इतने रौनक है ना कि कोई लफ्ज नहीं इसने बारे च। लो जी जनाब भाई तीक साहब तुसा इन्हें जानने ही हो सो अगे भी माड़े ब्लॉग माशाल्लाह अल्लाह साड़ी दोस्ती की सलामत रखे इन्होंने वजह तो अगे भी माड़े इतने बड़े ब्लॉग बनते सन जंदर ने और रंग परंगे इतने ने देसी लाइफ ना तो मैं बड़ी शौक सी कि पहाड़ा ने अंदर जिंदगी अज भी किड़े रिवाज है किस तरह की जिंदगी सी सुनी सुनाई तो बहुत सी ना तो अज माशाल्लाह इन्हें स्पेशल इतने बुलाया तो बड़ी खूबसूरत असा इतने एक वीडियो बना सा वीडियो ने खास चीज़ तुम अगर जुड़ी दसने पहले तुझे दसा जो कुत्ता साढ़े को जरा मी इन्हें गिफ्ट भेजा से इतू तुम्हें याद हो सो निका जहा बच्चा फिल्मों ने माड़ी व्यूवर्स की तो है उस ना जनावे वाला अब्बा वै तो भाई तीक ये दसो भाई ये कितने साल नाम है इसलिए? ये कुत्ता दो साल है। दो साल नाम है क्या दसो तुम अगर असा जिक्र किया शेर ने बारे चो क्या स्टोरी हुई है? ਉਹ ਇਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਚਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੇਰਾ ਚਾਈ ਖੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੇਰਾ ਚਾਈ ਖੜੇ ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸਾ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਤੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਾਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਚੋਟੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਘਣਾ ਜੰਗਲ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਇਹ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਤੀਕ ਖਲਤੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਲਿਓ ਅੱਛਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਤੱਕੋ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪਹਾੜਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਖੀਓ ਲੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਤੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਖੀਓ ਕਾਰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਮਖਿਆਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੱਕੋ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ
किस तरह मखियालियां बढ़ रहे हैं। इसलिए सीजन हुण अच्छी ते ठीक ठाक माशाला इन्होंने घर ना माखियों होई गया सी तको ये भी एक नवी चीज में तुसे दसन लगे हाँ वा माशाला जी तकने वो सोचा आई गई है साड़ी बड़ी जबरदस्त देसी दुद्ध नीचा ते नाश्ता भी हो गया इतने घर ने थोड़ा जहा मैं माहौल दसिया अज असा उधर जाई रहा वो अगे जुली दस माशाला मारे बुजुर्ग तक उस मौजूद हैं दो चार गल् इन्होंने करने क्योंकि बुजुर्गों को मैं छत से कम मैनिया गल् लभ सन लेकिन इंटरव्यू थोड़ा जहा कोशिश कर सके गोजरी ने बिच आवे वजह उतू ना मजा अच्छे सलाम अलैकुम क्या हाल है ठीक हो वालेकुम सलाम ठीक और तंबल हरियत ठीक हम कोशिश करूँ गोजरी में गल करूँ पर मारो गोजरी थोड़ा सा खराब हो ठीक है बोलो आम तम से ये पूछने की कोशिश करूँ के इत्थे ने की है जी जिंदगी जेड़ी तम गुजारो इत्थे किस तरह की जिंदगी सी जिंदगी बहुत ही अच्छी थी ठीक है जबरदस्त जेड़ी हम अपना बुजुर्गों की मौजूदगी में देखी नहायत खूबसूरत अच्छा किस्म का माहौल लोग चंगा अच्छा तो सादा सिस्टम था मसलन इतना आईगा जैसा माहौल नहीं था तो के काम काज करूं उस टाइम काम काज जिम्मेदारी थी बस ठीक है धान लाना मक बोनी कपनी कणक बीनी तो फिर असू कपना घा बना रचना ठीक है मंजा माला वास्ते घाड़ा लाना ठीक है तो सादा मकान था कच्चा जबरदस्त गर्म था भी सारा का मौसम कोई सर्दी नहीं थी कुछ नहीं तो कान तो क्या समझे हो कि उस जिंदगी थी ते इस जिंदगी क्या बदले या तक इंसान ना ने विच जिस तरह सुने उला प्यार मोहब्बत सी तो हूँ क्या बदलो मैं जो पाए हुए ना वो यो पाए हुए कि फिलहाल थारे जैसा यंग मैन लोग के की बड़ी तामीर तरक्की हो गई है तो मेरा नुकता नजर वहाँ तामीर तरक्की या सदाकत या सच उस टाइम ठीक है इतनो जबरदस्त कि जेड़ी गल कोई बंदो कर छोड़े उस तो दुई नहीं थी दुई नहीं थे वो नहीं सच बोलनो वादो करनो पूरो करनो पूरो करनो तो खानो थो जड़ो वो भी बिल्कुल ओरिजिनल मक गंदम ठीक है ये चीज इस जगह पैदा हुई थी इनको जंदर लगा हुए था उन तो आटा पीस के ठीक है तो देसी दही मक अपना दूध मंजांगा ठीक है बकरियांगा इन लस्सी बने चटनी बने इस तरह का खाना का माहौल था और लोगों को माहौल यो थो कि ये आज तक खैर इस तरह का माहौल तो मकान तो इस तरह सब कुछ वो उस वक्त सादा सिस्टम था और इतना अच्छा था बंदोबस्त इस जगह सारा का सिस्टम ना कि कोई ठंड वगैरह कट नहीं थी कर अच्छा तो लोगों को माहौल चंगो लोगों की तरबियत अच्छी उदा को में तामीर तरक्की वो वक्त भावें तालीम या अंग्रेजी काम थी बाकी तालीम कुरानी माशाल्लाह लोग उस वक्त ही पढ़िया हुआ था लेकिन उस वक्त अमल जड़ो थो ना वो जबरदस्त ज्यादा सो ज्यादा अमल आई अमल वो ना ही नहीं ना ही नहीं ऐवें गल कौन कबूल है खाली आजकल गलो लेकिन अमल वाली गली कौन अमल नहीं है गल तो बने अमल ना वेरी गल बेशक कोई वादा करो पूरा करो फिर लोगों चलो तो ठीक चलो सही रिश्तेदारी करो तो उन पर पासदारी करो भाई ऐसा सिस्टम था इस वक्त है छाबा ये बात माशाल्लाह सब बुजुर्गों ने गुफ्तगू सुनी उसी इन्होंने बेसिकली गल आखने ने मकसद है कि वो जमाना सच्चा सी जेड़े लोग वादा करने सन उस पर वफा करने सन प्यार मोहब्बत सन इरसा सन भावें उल्लै शौर नहीं सी यानी कि तालीम नहीं सी पढ़े लिखे कौन सन अंग्रेजी नहीं सी लेकिन एक दूए की कदर कीमत सी ना जेड़ी उस टाइम ज्यादा सी अज जितने लोग पढ़ ले गए पैसे नाल ठीक है या पढ़ी लिखी गए उतनी उन्होंने तरबियत वो खत्म हो गई है तमीज या के वादे की पूरा करना या वो एक प्यार मोहब्बत आला सिस्टम तो बड़िया नायाब और एक कीमती गल्लां माशाल्लाह मिकी भी सीखने तो लभियां साढ़े व्यूवर्स की भी ना ये गल्लां सीखने की लभियां तो आओ चाह पी के तो तुसें की अग्गे दसने आ माशाल्लाह जी सब तू खूबसूरत आज वीडियो ना सीन जरा बार बार व्यूवर्स की पाना सा ओ ऐ वै भाई सदाम ने दान दान ए जोंट है जिसा साढ़े बड़े बडेरे हल बाने रहना अज उसरा दसा
भाई सदाम ने मेहरबानियां नहीं स्पेशल इतने मैं बुलाया मैं इन्होंने जिक्र किया वीडियो ना तो भाई सदाम हूँ इसकी जोड़ सो इत या बुन जुली जोड़ सो बुन जुली जोड़ सो चलो जी हूँ दांद खोलने तो जुलने बुन जुली जोड़ने दांदा माशाला जी तकने सो खूबसूरत जिंदगी ना जे वह मंजर है जड़ा के कुदरत से यूट्यूब पर शायद नहीं लभन ला जो मंजर है मैं कैप्चर कर रहा के दांद ही निका इसलिए जा ही रहे अस बाड़ी बाहने वास्ते तक कितनी खूबसूरती है माशाला सर उन्नी चो 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 ये साढ़े बड़े बडेरे इसे तरह जाने होने स इसे तरह बिल्कुल जिस अज मैं जा ही रहा वहां तो पहाड़ों में अज भी जिंदगी मौजूद है अच्छा भाई सदाम कितना दूर है जिस जगह से जासा बस ये नालबुने तुसा की नजर आ रहे खेत हां हां इथे है बस बस इना भी जाना ठीक ज्यादा दूर नहीं है इंशाल्लाह तको जी असा बस पुजने ले उस जगह ते उठा जाई के ते दांद लासा और इया जी यूनिक वीडियो में बार-बार आना के तुसा की फिर नहीं लबन दी जेडी के हुन मैं ए पे खड़न लगे हां बस जी असा उस डोगे कोल पुजने ले हां अच्छा ये भी दसा कि असा बाड़िया आने लेकिन ये इतना डोगा आने इसकी ओ जी भाई सदाम मैं भाई तीक तकने सो अस डोगे पुजी आए इसने जो जुगुड़ सा दांद तसा कि दसा अल अज बाइक है हूँ जनाब वाला ए तकने सो इसी जौन ठाहने ना इन्होंने जबान है पहाड़ी च ते ए दांदा की यानी कि ने जॉइंट कर सी जोड़ सी ना दांदा ही ए तकिया ए माशाला तको एक ए इसने गले ने विच दुए ने च भी पै गया है अच्छा मैं पोड़ना यार पहली बार मैं अपनी जिंदगी तकी रहा वा के इस तरह कैसा ना दांदा की जोड़ने होने सन जेड़े साढ़े बुजुर्ग गुजरे आओ बस ए जनाबे वाला आल है जेड़ा मशहूर आल है जनाबे वक्त तको ए तकरीबन कैसा ना 35 किलो ना आलू सी ए है भी बहुत पुराना बहुत पुराना कितना पुराना सी ए मेरे नाने दे दौर दे बणया है नाने की ते कदा टूटा पजा नी दांद पहले दवा होनी है असा भी दवा पे मंगने बुजुर्ग आए ए भी दवा कैसे ना मंगने पे آمين وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين ثم آمين برکت اللہ نے نعت ہوئے شروع کرن دے اے برکتاں نے لاو جی جناب تکو ہاں ماشاءاللہ ہن نال میں بھی تھوڑا جا آکھیا کہ آپے حال چلائی کہ تساں کی دساں نال انہاں وی ہتھ رکھیا ہوا کیونکہ ماڑے واسطے تے ایک نئی چیز ہے سخت ہتھ رکھو जिंदगी से जेड़ी साढ़े बड़े बडेरे गुजारी के गए ने सारी दिहाड़ ऐसे तरह हल बाने होने से थोड़ा जहा हल मैं चलाया वे लेकिन मिकी हाल सही चलाने ना पता नहीं दांदे मोड़ने ना नहीं पता ठीक है इस वजह थू मैं तुझे दसन लगे आवा ए तो कोई खूबसूरती ए हूँ एक बार पटसन उस तू बाद जड़ा वै ना इसकी दो हफ्ते वक्फा दे सन दो हफ्तों तू बाद फिर इसने भी जो मक्के ना बीन रास सन माशाल्लाह तुसा तक्या उसी ए ओ कश्मीरी खूबसूरती कल्चर जेड़ा कि अज भी इन्हां ग्रावां विच इन्हां जगहां जिंदा जिन्हां वजह तों मैं दीवाना वां अपने कश्मीर नाल मिसाल है इस कल्चर नाल मिकी लगाओ है इस मिट्टी नाल हर एक चीज़ नाल कश्मीर नाल मिकी लगाओ है इस वजह तों अपना कारोबार छोड़ी गया तो जनाब मैं इन्हां चीज़ां की डिस्कवर करने वास्ते ना कि तुसा व्यूवर्स की भी दसा और खुद भी ये चीज़ां फील करा तो तक साढ़े दोस्तों ने मेहरबानी उन्हें अपने घर इनवाइट किया और स्पैशली
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਚ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲਾ ਮਿਕੇ ਆਪ ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।